छोटी कहानी बड़ी सीख। एक बार एक जंगल में बाढ़ आई। डूबते हुए बिच्छू ने एक मेंढक से कहा कि मुझे बचा लो, मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर नदी के उस पार ले चलो। मेंढक ने कहा, तुम तो बिच्छू हो, तुम्हें पीठ पर बैठाऊंगा तो तुम तो मुझे भी डंक मारोगे। बिच्छू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे साथ मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक ने कहा, बात तो सही है। तो उसने बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुँचे, बिच्छू ने मेंढक को पीठ पर डंक मार दिया। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, अब मेरे साथ तुम भी तो डूब जाओगे। बिच्छू ने कहा, क्या करूं, यही तो मेरे नेचर है। कहानी की सीख। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने तो कुछ और दिखेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको डंक मारने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।